हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे न्यू ट्यूटोरियल में। ये बेसिकली एडोब प्रीमियर प्रो 2022 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं हम वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका यूआई कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे यूआई जो स्टार्टिंग में यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा। चाहे तो आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ये ओपन प्रोजेक्ट है। अगर कोई आपका प्रीवियस जैसे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई फाइल सेंड की आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये भी एक है। एंड शॉर्टकट्स आपका वहाँ पे डायरेक्टली बना ही हुआ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे आज 8K वीडियो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड बेसिक जो हमारा यूआई है, मोस्टली आपको बेसिक चीज़ों से आप कैसे स्टार्टिंग, जो आपका फर्स्ट बेसिक लेक्चर है कि आप कैसे यहाँ पे अपनी वीडियो को 8K में एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। जो आपको हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन या फिर आप लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ट्यूटोरियल्स हैं उन्हीं को मैं आपको यहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लूँगा या क्रिएट न्यू। तो ये अभी मैं क्रिएट न्यू कर रहा हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ये यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड होता है डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए जिस भी फाइल में आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में यूट्यूब में फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ अपनी फाइल को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं फाइल का नेम रख दूँगा डेमो, ठीक है। ये मैंने फाइल का नाम रख दिया अभी डेमो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रेंडर है ये हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जीपीयू पे, बिकॉज जीपीयू आपको फास्ट एंड थोड़ा सा एडवांस जो आपको जीपीयू है वो रेंडरिंग प्रोसेस अच्छा करता है, तो इसलिए यहाँ पे जीपीयू आप रखिए। टाइम कोड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ऑडियो सैम्पल आप रहने दीजिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। डीवी एंड एचडीवी यहाँ पे डीवी पे ही सिलेक्ट रहने दीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 100 पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 203, ये एक बहुत ही अच्छा और एक रेजोल्यूशन वाइज भी आपका ये काफ़ी सही है। ये एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे 203 आपका HDR ग्राफिक जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये यूज़ कीजिए, ठीक है। स्क्रैच डिस्क यहाँ पे ये सारी स्क्रैच डिस्क है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सेम रहने दूंगा, कोई इशू नहीं है। इनपुट सेटिंग भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ बाकी चेंज नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे ये चीज़ डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। एंड हिट ओके, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको चेंज करना है ब्राउज़र में जाके, जो आप जहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ, हिट ओके। देन ये मेरे पास जो है आउटपुट ओपन हो जाएगा, जो इसका बेसिक यूआई है स्टार्टिंग में आपको कुछ इस टाइप से मिलता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये लर्निंग है हमारा, ये असेंबली है, ये एडिटिंग है। सेकंड यहाँ पे एडिटिंग का जो पैनल है ये ओपन होता है, ठीक है। एडिटिंग का पैनल जो है वो कुछ इस टाइप से आपका ओपन होगा। इसी तरीके से कलर, जो भी आपके कलर्स वगैरह यहाँ पे अभी आ जाएंगे, इफेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये साइड में प्रीसेट, वीडियो ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें, तो ये अभी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। वैसे आप यहाँ पे जैसे भी इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउन आपके सारे डाउन होते चले जाएंगे, एक एक करके आप इसको अपनी वीडियो पे एंटर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कम्प्लीटली एक ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें आपको सारी चीज़ें एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। एंड बाकी आप यहाँ पे जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर एडोब से रिलेटेड यूज़ करें, तो यहाँ पे आप कैप्शन वगैरह
यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं एक वन बाय वन आगे जैसे जैसे हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑल पैनल्स को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑल पैनल्स के साथ ही डिफ़ॉल्ट यूआई पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं जस्ट ये यूआई इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बेसिक यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे आप स्क्वायर में जाएंगे, स्क्वायर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल होगी, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मल्टीपल जो आपके कैमराज हैं, रेड हो गया है, ठीक है, एरे हो गया है, एंड आपका आपका यहाँ पे और भी कैमरेज हैं, जैसे कि रेड में बता चुका हूँ, एरे भी यहाँ पे है ये, ठीक है। ये आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप YouTube वगैरह या किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो को 8K में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और हाई क्वालिटी वर्क करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपल ये रहने दीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए, सेटिंग में जाइए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में जाने पे ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम में जाना है। कस्टम में आपको कस्टम चीज़ें करनी पड़ेगी, सारी आपको कस्टमाइज होगा। यहाँ पे मैं जैसे 60 फ्रेम्स पर सेकेंड रखता हूँ बिकॉज वीडियो स्मूथ और काफ़ी अच्छी बनती है। एंड यहाँ पे मैं जो फ्रेम साइज है रेजोल्यूशन वो मैं 8K रख रहा हूँ। 8K यानी कि 7680, ये यूट्यूब का स्टैंडर्ड साइज है 8K में, 4320, ठीक है। ये आपका कंप्लीट 192 192 192, एंड इसकी हाइट है 1080, जो नॉर्मल आपका विथ और हाइट है। ये डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा तो यहाँ भी चेंजेस होंगे। अगर लाइक मैं इसको 410 करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और ये रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि इसको अगर डिफॉल्ट गलती से जैसे मैंने इस तरीके से कर दिया तो मेरे को चेंज कैसे करना है, ठीक है, रेजोल्यूशन को आपको चेंज कैसे करना है, ठीक है, स्क्वायर सेटिंग। तो यहाँ पे आप जाइए स्क्वायर सेटिंग में, यहाँ पे आपको ऊपर पैनल मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर सेटिंग पे जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 24320 है, हिट ओके, एंड ये आपकी स्क्वायर सेटिंग चेंज होगी है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं, स्क्वायर सेटिंग यहाँ पे चेंज होगी है। 60 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे आपका डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारा हिट ओके, बाकी कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी है। देन इसके बाद यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जैसे डिफ़ॉल्ट वीडियो मैं अभी यहाँ पे इंपुट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने जो डिफ़ॉल्ट वीडियो है उसको मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ एग्जैक्टली यही है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मेरी वीडियो एक पर्टिकुलर उसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। जैसे ये वीडियो है मेरी, तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट अभी क्या करूँगा, जस्ट इसको ड्रैग कर लूँगा, ड्रैग करके यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा, ड्रैग करके जस्ट जो भी आपके फोल्डर में फाइल है, ठीक है, जहाँ पे मेरी ये फाइल है, मैं जस्ट इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूँगा, ये ड्रैग हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से मीडिया में ब्राउज़र में भी जाके कहीं से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपकी फाइल है, ठीक है। तो वह आप यहाँ से भी लग सकते हैं, लाइब्रेरी है आपकी, लाइब्रेरी में आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट इस तरीके से कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग रखनी है, क्योंकि अगर मैं चेंज करूँगा तो ये रेजोल्यूशन जो है ये वाली वीडियो का रेजोल्यूशन ले लेगा, चेंज स्क्वायर सेटिंग हो जाएगी जो मेरी इसके अकॉर्डिंग चली जाएगी, वीडियो के अकॉर्डिंग। तो ये कस्टम यहाँ पे मैं कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स को मैं यहाँ पे रखूँगा। ये मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है वो मेरी ऑलमोस्ट 2K पे आउटपुट जनरेट करती है, तो मैं इसको 8K में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे क्या है कि मेरे को थोड़ा सा
मेरे को फाइल में ज़्यादा हैवी होती है, एंड दूसरा क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे को स्केल अप करना है, तो मैं स्केल अप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्केल होता है, यहाँ पे वीडियो को सिलेक्टेड होना चाहिए, अगर वीडियो सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए जो भी वीडियो आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको 200 कर रहा हूँ, हिट एंटर, ये इतना हुआ है, तो इसको मेरे को यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग 300, ये परफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से 300 पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये 300 पे इस तरीके से आ रहा है, तो मैं थोड़ा अगर छोटा करता हूँ तो ये देखो कि आप ये अभी सेटिंग का जो है मेनली यहाँ पे रेजोल्यूशन में कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका सेटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। जैसे 7 ये हमारा अराउंड ओके 9219920 है, और 1080 है। यहाँ पे हमारे को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे 76 है, ये ठीक है, ये ठीक है, बाकी सब भी चीज़ें हमारी ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 275 हिट ओके, ठीक है, तो ये हमारा रेजोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा, सेंटर में है वीडियो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे ये काफ़ी लेंथ हो रही है, तो यहाँ पे मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को सारा कम्प्लीटली डालने का नहीं है, यहाँ पे एडिट करना है ट्यूटोरियल को, तो यहाँ पे मैं अपना एक पर्टिकुलर जो ट्यूटोरियल है उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिट करने के लिए जस्ट यहाँ से ये हमारे जो ब्रशेज जो टूल्स हैं वो हैं हमारे पास, यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल है, ठीक है, इसका शॉर्टकट ए है, यहाँ पे है रिपल एडिट टूल, ये हमारा जो लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पे ये कट करता हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पे इसके बाद मैं इसको जस्ट एग्जांपल के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिपल डिलीट डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास रिपिल आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट ये यहाँ पे रिपिल कर सकता हूँ इस ब्रश को, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये यहाँ से ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी ये हो नहीं रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका शॉर्टकट है बी, ठीक है, तो आप बी यहाँ पे कीबोर्ड पे बी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे रिपल डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे रिपल आप डायरेक्ट डिलीट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, एंड सेम यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखोगे तो रोटेटिंग एडिट टूल आ जाएगा, इस तरीके से रोटेशन टूल आ जाएगा, ये बाकी अभी टूल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट जाइए लेफ्ट क्लिक कीजिए और ये आपका रिपिल हो जाएगा जो सेम ये टूल करेगा, ठीक है, तो शॉर्टकट यूज़ कीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे रेजर, ठीक है, रेजर जो हमारे को कट करता है, यहाँ पे रेजर टूल है, इसका शॉर्टकट है सी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा सेलेक्ट है, मैं सी कीबोर्ड पे प्रेस किया और इसको होल्ड करके रखा, यहाँ पे सी आ गया, सी से मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे वाई है, वाई से आप यहाँ पे जो ये है स्लिप टूल से आप यहाँ पे स्लिप कर सकते हैं, ठीक है, एंड इस टूल का भी आपको अभी यूज़ नहीं करना है, पेन टूल का आप नॉर्मली जैसे पेन टूल आप फोटोशॉप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट बनाने हैं तो आप
पेन टूल से बना सकते हैं, तो ये भी हमारा अभी इतना जरूरी नहीं है, इसका भी आगे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये थोड़ा सा आप प्ले करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें समझ जाएंगे। इसको होल्ड करके रखा राइट से, आप स्क्वायर ले आएंगे, इलिप्स ले आएंगे, जो भी आपको रेक्टेंगल सर्कल चाहिए वो यहाँ से आप ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हैंड टूल। ठीक है, एच है इसका शॉर्टकट, टी फॉर टेक्स्ट के लिए, आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो आप यहाँ से ग्राफिक में जाइए, ग्राफिक में जाने के बाद आप यहाँ पे स्केल इसका बढ़ा सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, एंड सेकंड यहाँ से आप इसका छोटा साइज, ज़्यादा साइज यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको रेगुलर बोल्ड यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो ये क्विकली चीज़ें हैं, आप बस यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से समझ आ जाएगा। जब आप इस पर डेली वर्क करेंगे तो चीज़ें अपने आप फ्लुएंट हो जाती है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ अगर पूछना है तो ये डायरेक्ट मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 512 या जो भी मेरे को रखना है मैं डिफॉल्ट रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट नहीं चाहिए और ना ही मैं रखता हूँ टेक्स्ट स्टार्टिंग में। और आपको अगर टेक्स्ट पे देखना है तो यहाँ पे आप स्केल डाउन बढ़ और कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्केल अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए यहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं, एंड फ्रेम बाय फ्रेम आप इसको मूव कर सकते हैं वन वन फ्रेम पे। तो ये चीज़ है। सेकेंड यहाँ पे मैं भी कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ, हर सॉफ्टवेयर का कंट्रोल जी अंडू ही होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स का कंट्रोल जेड अंडू होता है। कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस कीजिए, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी है और इसको मेरे को वापस से सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ से ला इसको जस्ट ड्रैग करूँगा, मेरी पूरी फुटेज वापस से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पे अभी मेरे पास वापस से ऑल पैनल्स मैं ओपन कर रहा हूँ, सभी पैनल्स मेरे को चाहिए होते हैं। तो एडिटिंग के टाइम पे मैं ये नॉर्मल मेरा यूआई इस तरीके से होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे और भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये हम स्टेप बाय बाय स्टेप आगे करेंगे। तो फाइल में आपको जाना है, फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल एस भी शॉर्टकट है सेव करने का, तो सेव कर दिया मैंने जस्ट फाइल को। एंड यहाँ पे कंट्रोल सेव एज कॉपी कर सकते हैं, सेव एज हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। जब आपका कंप्लीट एडिट हो जाए यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं मीडिया। तो ये आपको डिफॉल्ट जो है 8K इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मेरी ज़्यादा कट्स नहीं होते हैं क्योंकि कट करने के लिए यहाँ पे आप सी प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट आपको हटाना है। ठीक है, और हटाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्केल, जो यहाँ पे डाउन स्केल है अप स्केल है, इस तरीके से साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, टाइमलाइन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट दिस एक टाइमलाइन, सो यहाँ पे जस्ट क्लिक एंड डिलीट, हिट डिलीट ऑन कीबोर्ड एंड योर टाइमलाइन जो आपका ट्रिम कर रखी है, जो आपने कट कर रखी है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डिलीट करना सेव स्केल अप 100%, देन यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली ये हो गया। तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर टाइम लैप्स बनाता हूँ, तो अगर मैं टाइम लैप्स बना रहा हूँ क्विकली तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको इतना मेरे को नॉर्मली इतना चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं स्पीड लाइक अगर मेरे को अनलिंक करना है, साउंड नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा साउंड। सो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है। इसकी स्पीड सबसे पहले मैं स्पीड फास्ट कर दूंगा, ड्यूरेशन जो है मैं 1000 कर दूंगा, तो मेरी वीडियो बहुत सुपर फास्ट हो जाएगी, जो सिर्फ अराउंड 5 मिनट्स के अराउंड हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी वीडियो का जो साइज़ है वो 5 मिनट्स हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली अपने सॉन्ग्स को ले आऊँगा ड्रैग करके, जहाँ भी मेरी सॉन्ग्स हैं उनको मैं ड्रैग कर लूँगा एक पर्टिकुलर
यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया। अब कुछ जो भी सॉन्ग मेरे को लगता है यहाँ पे एंटर करना है वो मैं सॉन्ग यहाँ पे एंटर कर दूंगा, एंड देन उसके बाद सेम सॉन्ग को मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा यहाँ तक। तो यहाँ तक मेरा ऑटोमेटिकली जस्ट साइड से यहाँ पे होल्ड करके रखना है राइट क्लिक, और ये आपको एंड तक यहाँ पे ले आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है फाइल, एंड यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट, कंट्रोल एम इसका शॉर्टकट है। डायरेक्ट आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का आएगा 8K, जहाँ पे आपको सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहीं सेव करना है, तो सेव डिफॉल्ट जहाँ पे मेरी फाइल है वहीं मेरे को सेव करना है। एंड मैच यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये हाई बिट देता है और ये यहाँ पे अडेप्टिव हाई बिट देता है। तो अडेप्टिव जो है ये काफ़ी हाई कर देगा आपकी वीडियो, और क्वालिटी सुपर क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। हाई बिट रेट नॉर्मल यहाँ पे हाई बिट पे यहाँ पे 434 MB है, बट अडेप्टिव हाई बिट रेट पे ये MB बढ़ जाएगी, काफ़ी हाई हो जाएगी। सो यहाँ पे मैंने 438 थी, एंड यही अडेप्टिव में काफ़ी हाई होगी, और यहाँ पे 434 है, तो ये तो काफ़ी हाई होगी। सेम यहाँ पे मैं अडेप्टिव हाई सेम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ये काफ़ी हाई क्वालिटी है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये बहुत पावरफुल क्वालिटी है। देन हिट ऑन एक्सपोर्ट, जस्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए एंड आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीटली एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट बनाया हूँ, छोटा सा वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद दिस वीडियो। एंड आपको न्यू न्यू कंटेंट जो भी सो मेनली जो चैनल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली हम ऑनलाइन जो क्लासेस है वो प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल स्कल्पटिंग लाइक ZBrush, टूल बैग। सो बेसिकली हमारा गेम से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ टाइम हम गेम से रिलेटेड वर्क करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर आपको फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर ये सब चीज़ें सीखनी है बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे, तो कमेंट करें। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम और आर्ट स्टेशन एंड फेसबुक पे आप मेरे से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्डइन पे आप मेरे से ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपसे जो जॉब से जो भी रिलेटेड आपको इंक्वायरी है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप सभी खुश रहें, और थैंक यू वेरी मच।